फाइनली अब हम लोग मेरा बर्थडे रात को सेलिब्रेट कर रहे हैं एट एग्जैक्टली 10 PM। तो सुबह सुबह मेरा रूटीन यही होता है कि सुबह उठो, नहाओ धो, फ्रेश हो, और उसके बाद फ्रिज खोलो, फ्रिज में से पीचर निकालो, पीचर के अंदर जो दूध है उसको गैस पे गर्म करो, और उसके बाद शुरू होते हैं अपना दिन। सो वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीवन, आई होप एवरीबॉडी इज डूइंग ग्रेट। और आज भी वेदर ऐप में दिखा रहा है कि आज इट्स गोइंग टू बी रेन अ लॉट एंड इनफैक्ट इट्स रेनिंग आउटसाइड। फिलहाल का तापमान है इट्स 19 डिग्रीज, और आज पूरे दिन यहाँ पे रेन ही, और आज पूरे दिन बारिश होपफुली चलने ही वाली है। सो फाइनली गाइस अभी मैं पहुंच चुका हूँ मेरी लोकेशन पे, सो जहाँ पे आज मेरा है इंटरव्यू। मैं बस में से उतरा, बस से यहाँ तक का कुछ सफ़र था मेरा 700 मीटर्स का। सो रास्ते में मुझे जो बारिश मिली है ना, बहुत सीरियसली पूरा मेरा विंडचीटर भीग गया था, लेकिन मैं आके फिर पूरा मैंने विंडचीटर मैंने ड्राई इसके नीचे लिटरली मैंने ऐसे करके किया। मैं फटाफट आपको इंटरव्यू ख़त्म करने के बाद ही मिलता हूँ। तो फाइनली गाइस इंटरव्यू मेरा सक्सेसफुल हो गया है। बाय द वे मेरी कॉलेज खत्म हो गई है, अभी बस मैं घर पर ये पहुंच चुका हूँ। और आज ऐसा दूसरी बार हुआ कि मैं रास्ते में मैं ब्लॉग कंटिन्यू करना ही भूल गया, बट कोई नहीं, कॉलेज का वॉज जस्ट फिनिशिंग माई असाइनमेंट, और अब जाके मैं घर पर पहुँच। एंड इवन शी हैज़ गॉट एन इंटरव्यू फ्रॉम द सेम प्लेस जहाँ मैंने अप्लाई किया था। सो पता नहीं इस बार मेरा बर्थडे कुछ ज़्यादा ही अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आया है, और बस मुझे कंफर्मेशन मेल का ही वेट है। मुझे बोला है कि लाइक होपफुली आज रात से कल रात तक हमको ना गए थे कन्फर्मेशन के क्या मुझे वो जॉब मिलेगी कि नहीं, मीन्स डायरेक्टली माई ऑफर लेटर फ्रॉम दैट प्लेस। और अभी मैं बुक करूँगा श्रेया का इंटरव्यू भी, देखते हुए हमें कौन सी डेट्स फिलहाल अवेलेबल है। क्या बात है भाई, आज तो पता नहीं खुशखबरी पे खुशखबरी मिल रही है। जैसे मैं घर पे आया मैंने चेक किया तो हाँ गाइस, श्रेया को भी फाइनली इंटरव्यू के लिए रिक्वेस्ट आ गई है, और अभी मैंने जैसे उसका इंटरव्यू बुक कर दिया है, उसका इंटरव्यू फाइनल किया। उसके बाद मुझे एक और मेल आया कि इवन आई डिड इट, मतलब कि मुझे भी एक और पोजीशन के लिए मेरा भी एक और इंटरव्यू होने वाला है फॉर द नेक्स्ट ट्यूजडे। हम दोनों का ही सेम लोकेशन पे, सेम टाइमिंग पे, फॉर द काइंड ऑफ सेम पोजीशन के लिए भी हम दोनों का इंटरव्यू होने वाला है नेक्स्ट ट्यूजडे को। फुल वाइड एंगल है, अब एकदम अच्छा सा व्यू दिखेगा। अभी हम लोग, मैं कितना 4.5 किलोमीटर है, मैं पूरा ऐसे ही ड्राइव करके अभी तो लेके जा रहा हूँ अपने घर। अपनी बर्थडे की केक लेकर आ रहा है। मैं पिछले 4 किलोमीटर से मैं ऐसे पोज मारते हुए मेरा स्केटबोर्ड चला रहा था, दो हाथों में केक, नीचे स्केटबोर्ड। लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये चल कैसे रहा है बंदा, बिकॉज रिमोट मेरे यहाँ पे है। ये वाला मैं मोमेंट भी कैप्चर कर लो, बिकॉज पता नहीं ये मोमेंट बाद में कब आएगा कि हम लोग ऐसे केक लेते हुए हमारे स्केटबोर्ड के ऊपर जाएंगे। के मनन अपने बर्थडे के लिए खुद ही केक लेकर आएगा। हाँ, मेरे बर्थडे के लिए मैं आज खुद ही केक लेके आया हूँ मेरे घर पे। सो हाउ इज द जोश? मनन के बर्थडे के लिए डेकोरेशन में कुछ बैनर लाई हूँ, जिसमें ये सेलिब्रेशन और हैप्पी बर्थडे कुछ ऐसा बैनर वाला है, प्लस फ्यू कैंडल्स एंड फ्यू हैप्पी बर्थडे बलून्स। आज का हमारा छोटा सा डेकोरेशन फॉर माय बर्थडे, एकदम शॉर्ट एंड एकदम सिंपल। इनफैक्ट मुझे सिंपल वाला कुछ ज़्यादा अच्छा लगता है कंपेयर टू वो पूरा जो भरा भरा रहता है एकदम। हैप्पी बर्थडे, सेलिब्रेट हैप्पी बर्थडे एंड लेट्स पार्टी। और ये हमारा फेवरेट, ये रहा क्रिसमस ट्री जो कि मेरे पीछे, यू नो आई लिटरली लव दिस क्रिसमस ट्री, बिकॉज इसके ऊपर हमारे सारे हमारे जर्नी के फोटोज लगे हुए, सो आई लिटरली लव दिस। सब भी गाइस मैं निकला हूँ बाहर एक जगह पे, एक फ्रेंड को मुझे मेडिसिन देनी है, सोचा कि आज स्केटबोर्ड लेके चलते। वैसे सोचा था कि लाइक मैं स्कूटर लेके निकलूंगा, लेकिन मौसम इतना अच्छा हो गया है कि इट्स टाइम फॉर सम स्केटबोर्डिंग। सीरियसली भी क्या एकदम मस्त यहाँ पे वेदर, एकदम परफेक्ट सनी है, एकदम परफेक्ट ठंडा भी है। तो भाई जब आज का वेदर ऐसा ना, क्या लाइक आज सनी है लेकिन साथ साथ आज उतनी गर्मी महसूस नहीं हो रही, पता नहीं क्यों।
आज लाइक काइंड ऑफ मॉडरेट टेम्परेचर है, बस एक ही चीज़ करने का दिल करता है, जो कि अगर मैं इंडिया में होता तो आई एम डैम श्योर कहीं गाड़ियाँ में कहीं बाइक लेकर श्योर कहीं निकल जाता, मतलब वैसे टाइम पास करने के लिए। लेकिन यहाँ पे कहाँ ही गाड़ी और कहाँ ही बाइक, यहाँ पे तो बस अपनी गाड़ी पर ही अपना ये फोर व्हीलर स्केट बोर्ड है, दैट्स इट। सो गाइस, अब जाके मेरा कॉलेज का असाइनमेंट खत्म हुआ। मैं पिछले 2 घंटों से जब मेरा आखिरी शॉट लिया था उसके बाद नॉन स्टॉप मैं लैपटॉप पे ही था, वो कुछ तो एक वायर शार्क और एक कुछ तो कोला सॉफ्ट, तो यहाँ से वहाँ पैकेटिंग करना था, सोच करने का चक्कर में दिमाग का लिटरली दही हो गया है। और उसी चक्कर में रात के अभी 8 बज गए हैं। मेरा प्लान था कि मैं आराम से 2-3 घंटे मैं पे गेमिंग करूँ मेरे ऑक्यूलस मेटा क्वेस्ट 2 में, लेकिन ये असाइनमेंट के चक्कर में पूरा आज के दिन की। सो भी एक और अच्छी बात ये हुई कि फाइनली हमारा एक और पार्सल आ चुका है इंडिया में से, और ये पार्सल है 20 kg का, कुछ इसमें नाश्ता और एक्चुअली इसमें मेनली तो सारे मसाले ही है, मतलब अपने इंडियन स्पाइसेस का मैंने टैक्स भरा है अप्रॉक्सीमेटली 55.64 Canadian dollars, मतलब आराम से 3 से 3,500 Indian rupees, तो बस मुझे टैक्स और कुछ GST वो सब लगा है। अब हम लोग मेरा बर्थडे रात को सेलिब्रेट कर रहे हैं एट एग्जैक्टली 10 PM, और ऐसी कुछ है मेरी केक 2022 के बर्थडे की। सो दिस इज द केक, एंड बाय द वे केक सिंपल थी, ये सारा ऊपर का ब्रेड श्रेया ने किया, ये चारों बिस्किट्स और फिर चॉकलेट्स और वो सब, और अब यहाँ पे कैंडल्स। सो फाइनली गाइस बर्थडे हो चुका है डेंस, हमने अभी दोनों फैमिली को वीडियो कॉल किया था और वीडियो कॉल पे ही वर्चुअली आज तो मेरा पूरा बर्थडे सेलिब्रेट हुआ है, एंड इट वेंट ऑल परफेक्ट, एंड स्पेशली केक जो एकदम मस्त बनी है ना, सीरियसली है ना, केक एकदम फुल क्या कहूँ मैं, एकदम मस्त डिलीशियस। अभी हमारा आज का मेन डिनर पिज्ज़ा तो भी आके हमारी राय देख रहा है, सब डिनर पिज्ज़ा उसके बाद बस समाप्त होती है कहानी। ऐसा कुछ आज का यहाँ पे पूरा डेकोरेशन था, अभी हमारा इंस्टाग्राम से लिया हुआ मस्त आज का यहाँ पे एज ए मेमोरी वाला पिक्चर और केक, एंड या दैट इज आज का हमारा डिनर, 2 pizza from popular pizza क्राइम हो गया, 2 pizza from popular pizza और पिज्जा में कुछ खास है नहीं, बस ऐसे ही। वो मैन ये देखिए, वो वाले पिज्जा की याद नहीं है, दुबई वाले है ना, वैसे ही याद आ गई। ओके, बिपिन तो अंदर है ही, मुझे लगा नहीं था डिपिन होगा, बट हाँ हमने ऐड किया था। फोन के वाइड एंगल में दिखा दो ताकि प्रॉपर व्यू मिल जाए। कुछ सेलिब्रेशन हमारा इतना था, और पूरा डेकोरेशन आप लोग वाइड एंगल में एंजॉय कर सकते हो, इतना हमारा छोटू सा आज यहाँ पर डेकोरेशन था, एकदम परफेक्ट शॉर्ट एंड सिंपल।